वेलकम टू आकाश जी एस क्लासेस। आकाश जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम करवाने वाले हैं संवेग, और मैंने इससे पहले करवा दिया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, ग्रुप डी, ये सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवेग स्टार्ट है आपका, संवेग मोमेंटम, जिसे क्या कहते हैं हम, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, नॉर्मली आप सोचिए, इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। नॉर्मली अगर मैं फॉर्मूला में समझूँ तो कोई दिक्कत नहीं, P = mv होता है, लेकिन समझते हैं। चलिए, किसी पिंड अथवा वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी पिंड अथवा वस्तु के संवेग को, किसी पिंड अथवा वस्तु के संवेग को उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका मुझे संवेग या मोमेंटम निकालना है तो उसका कितना द्रव्यमान है, ठीक है, उसका कितना मास है, ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो बराबर वो होता है हमारा संवेग। तो संवेग को क्या कहते हैं, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड डेट, इसको और डीपली समझाना है मुझे। फिलहाल पहले इसका मात्रक समझ लेते हैं। मात्रक बराबर होता है न्यूटन सेकेंड, क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, जो एग्जाम में आता है वो देख लो। फिलहाल इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ये तो फॉर्मूला टाइप में हो गया। अगर मैं बोलूँ संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये आप नॉर्मली बताइए, बिना फॉर्मूले से बताइए, तब आप कैसे बताओगे कि मोमेंटम का क्या होता है। तो आप ये कह सकते हो, हाउ डिफ़िकल्ट, ये बनाई हुई परिभाषा है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना, ये समझने के लिए, हाउ डिफ़िकल्ट टू मेक एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, किसी वस्तु को, हाउ डिफ़िकल्ट टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टॉप, किसी वस्तु को रोकना कितना क्या है, मुश्किल है, बस यही संवेग है। ये मेरी बनाई हुई परिभाषा है, यानी मेरे अनुसार ये है, ठीक है। आप अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल यही है संवेग, किसी वस्तु को रोकना कितना डिफ़िकल्ट है, यही तो संवेग है, यही तो मोमेंटम है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, चलो आप एक गेंद है, आप एक गेंद ले लो बच्चों, ये एक गेंद है और ये कोई कार आ रही है, ठीक है, कार की फिगर पे मत जाना, न्यू मॉडर्न की कार है ये, वो कार है, ठीक है, ये कार है। अब पहले स्टार्टिंग में ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ना, स्टार्टिंग में पहला ऑब्जेक्ट है, और इसका मास देना पड़ेगा हमें, मास इसका ले लेते हैं बच्चों, कितना ले लें, 0.20 kg ले लो इसका मास, 0.20 kg मास इसका ले लो, और इसकी कोई वेलोसिटी भी तो होगी, तो इसकी वेलोसिटी ले लो दोस्तों, कितनी वेलोसिटी ले लें, 0.4 meter per second के वेग से ये इधर जा रही है, ठीक है, और ये कार इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब इस कार का भी तो कोई क्या होगा, मास होगा, तो कार का मास ज़्यादा होगा, तो 2400 kg इसका मास ले लेते हैं, 2400 kg मास ले लिया इसका, और इसकी वेलोसिटी भी ले लो बच्चों, ये इसे मान लो m1, इसे मान लो v1, इसे मान लो m2, और इसे मान लो v2, इसकी v2 वेलोसिटी जो हो गई 8 meter per second। अब आपको क्या निकालना है, इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाना है इसे रोकने के लिए, ठीक है, यही आपका क्या होगा, मोमेंटम। आप कमेंट बॉक्स में निकाल के दिखाइए, सारे डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मोमेंटम मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, शायद आपको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ तक तो हो गया, बाकी ये तो नॉर्मल है, ये तो कुछ बताया नहीं है। पी आपका संवेग होता है, एम बराबर पिंड या वस्तु का द्रव्यमान होता है, वी पिंड या वस्तु का वेग होता है, और हमेशा याद रखना है मोमेंटम कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, एक सदिश, माने
एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी बच्चों, एक वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पेन नहीं चल रहा, चलो इसको थोड़ा देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चलने से पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ से चलते हैं। एसआई संवेग का एसआई मात्रक याद रखना है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ओके। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ने वाले हैं हम। अगर आपका संवेग अगर आपको समझ में आ गया हो, यानी अगर आपको मोमेंटम समझ में आ गया हो, तभी आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ पाओगे। जब तक आपको मोमेंटम नहीं समझ में आएगा, संवेग नहीं समझ पाओगे, तब तक आप न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं समझ पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले मोमेंटम समझा दिया था। तो देखो अगर ध्यान से समझना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, MOMEN, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, क्या बोल रहे हैं हम, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना आप फोर्स लगाएंगे उसके क्या होगी, प्रोपोर्शनली होगी, और उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है, और उसी डायरेक्शन में होती है जिस दिशा में आप क्या करते हो, बल लगाते हो। तो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिस पर हम वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f इज प्रोपोर्शनली टू m a, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो भाई अभी मैंने मोमेंटम पढ़ाया था, आप फोर्स जो सेकंड ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की फोर्स ऐसे ही तो अप्लाइड कर रहे थे, इसी दिशा में तो अप्लाइड कर रहे थे जिस दिशा में बल कार्य करता है, ठीक है। एक ट्रक था या एक कार थी और एक बॉल, आप दोनों से टकरा रहे थे। मैंने क्या बताया था, मोमेंटम, हाउ डिफ़िकल्ट टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टॉप, कितना डिफ़िकल्ट है किसी ऑब्जेक्ट को रोकना, ठीक है। सेम वही चीज़ है भाई, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, इतना मेरे ख्याल से आप समझ में होंगे, 100% समझे होंगे। तो इसको देख लो, जो मैंने समझा दिया, एफ इक्वल टू एम ए, यदि एफ बराबर जीरो हो तो ए बराबर भी जीरो होगा, ठीक है। आप खुद रख लो, एफ बराबर अगर मैं जीरो रख लूँ तो एम इंटू ए, तो ए बराबर भी तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ बराबर जीरो तो ए बराबर भी जीरो, इसके अपॉन में भेजो ए को तो ए बराबर भी तो जीरो आ गया, ठीक है। सॉरी, एफ बराबर जीरो है तो इसको मास को नीचे भेजो, जीरो अपॉन एम बराबर ए, एम से जीरो में भाग दोगे तो कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा, ए बराबर भी जीरो आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर लो। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा आगे है, एम द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, एम द्रव्यमान कभी क्या नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, m द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता, इसलिए a बराबर क्या हो गया बट्टे, जीरो हो गया, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, a बराबर जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये तो बताया ना आपको, मास कहीं भी जीरो नहीं होगा। मास चाहे आप, मैंने पढ़ाया है, चाहे आप अर्थ पे जाओ या आप मून पे जाओ, मास हमेशा रहेगा, किसी भी वस्तु का कोई ना कोई मास रहेगा। जैसे अर्थ और मून का मैंने बताया था, कितना रेशियो बताया था, अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 6:1, यानी 6 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर 1 न्यूटन के बल का फोर्स अप्लाइड होगा मास पर, ठीक है। तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इतना क्लियर होगा होगा। तो आगे चलते हैं, द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए बल इज, जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, संवेग में परिवर्तन बट्टे लिया गया समय, ठीक है। जो फोर्स जो होगी, संवेग में परिवर्तन कैसे होगा ये बताओ, F इज प्रोपोर्शनली टू, संवेग में कैसे परिवर्तन होगा यार, P बराबर हमें पता है, P बराबर दोस्तों होता है एम बी, पी बराबर एम बी होता है संवेग, यानी यही तो संवेग होता है, मोमेंटम। इसमें परिवर्तन कैसे होगा, ये M1 मान लो, ये सॉरी M1 मान लो, ये B1 मान लो, अब यहाँ से मैं कह दूँ M2 और V2, यही तो परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब क्या होता है, डिफरेंस,
परिवर्तन मतलब क्या होता है, डिफरेंस कितना है, यही तो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यही तो डिफरेंस निकाला है, बी बराबर एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू। तो ठीक है, बिल्कुल ये सही बोल रहा है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि F इज प्रोपोर्शनली टू, ठीक है, तो बल जो मैंने बोला है इस प्रोपोर्शन, बल जो है अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन बट्टे लिया गया समय। तो F इज प्रोपोर्शनली टू एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ से एक काम करो आप, फिर कुछ मत करो, F इज प्रोपोर्शनली टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी है, यहाँ से m कॉमन लो तो क्या बचेगा, तुम बचोगे बोलोगे सर F, जब आपने t कॉमन ले लिया है तो F इज प्रोपोर्शनली, जब m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी बचेगा। ठीक है, बचेगा ही नहीं बचेगा, तो ये रहा v माइनस यू अपॉन टी। और हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, होता ही नहीं होता है। तो जो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, F इज प्रोपोर्शनली टू ये एक्सेलरेशन, ये a, ये सारी की सारी वैल्यू a है, तो F इज प्रोपोर्शनली टू क्या आ जाएगा बच्चों, F इज प्रोपोर्शनली टू एम ए। ठीक है, ये समझ गए कैलकुलेशन, F इज प्रोपोर्शनली टू एम ए। और हमें पता है कि जब हम ये प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं, बराबर लगाते हैं, तो एक कॉन्स्टेंट आता है यानी स्थिरांक आता है। तो हमने k एक स्थिरांक मान लिया, तो k एम ए, एफ बराबर के एम ए। और हमें पता है जो k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है SI पद्धति में, वन होती है, तो वन पुट करो यहाँ, तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा एम ए। ये हो गया आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वेरिफिकेशन कर दिया मैंने। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, ये वेरीफाइड भी कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी नहीं छोड़ते। अतः वस्तु पर प्रभाव डालने वाला बल, वस्तु के द्रव्यमान के बल के प्रभाव से वस्तु पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है और त्वरण की दिशा में प्रभाव डालता है। ये थ्योरी ऐसे मत पढ़ो, जो मैंने बोला है उसे पढ़ो, ठीक है, ये थ्योरी आपको इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए एक थोड़ा सा और रह गया है, इसे भी कर लेते हैं, जब इतना किया है तो इसे भी करेंगे। एग्ज़ाम्पल जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, बिल्कुल बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम्पल पूछता है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, मोस्टली जो एग्ज़ाम्पल आता है वो मैंने लिख दिया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेने के लिए हाथ नीचे या पीछे ले जाता है और कभी भी गेंद को अचानक रोकने की कोशिश इसलिए नहीं करता है। आपने कभी देखा है जब एक क्रिकेट की गेंद आती है तो क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है, हाथों को क्या करता है, पीछे की तरफ ले जाता है, बैक यानी पीछे की तरफ ले जाता है। ठीक है, कभी भी अचानक रोकने की कोशिश इसलिए नहीं करता है क्योंकि गेंद का वेग अचानक ज़्यादा से एकदम शून्य हो जाएगा और ऐसी स्थिति में गेंद का मंदन जो होगा, और रिटार्डेशन मैंने पढ़ा दिया था नेगेटिव, ठीक है, बहुत अधिक होगा, रिटार्डेशन ज़्यादा होगा तो उसके हाथों में क्या हो लगेगी, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी एकदम से गेंद को नहीं रोकता है। दोस्तों यहाँ तक समझे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, याद रखना। अतः ज़्यादा मंदन की वजह से हाथों पर अधिक बल पड़ेगा जिससे चोट लगने की संभावना होती है। जब खिलाड़ी अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाता है तो त्वरण कम हो जाता है और बल भी कम हो जाता है। ये भी तो F बराबर एम बी ही है, कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, इस क्लास में मेरे ख्याल से आप समझे होंगे और मैंने बेस्ट एफर्ट किया है। थैंक्स।